नमस्कार, मैं डॉक्टर सागर। आज हम ये अलग ही एक रेशा है जो बहुत सारे हाथों में नहीं होती, इसके बारे में आज हम देखेंगे। आई हैव मेड द सेम वीडियो इन इंग्लिश एंड मराठी ऑल्सो, यू कैन फाइंड द लिंक इन डिस्क्रिप्शन बिलो। सो दिस इज सो लाइन ऑफ विया लैसिविया लैसिवा। सो हम पहले उसका पोजीशन देखेंगे, कहाँ से शुरू होता है। तो वीनस और मून, इनके बीच में और ब्रेसलेट लाइन के ऊपर जो एरिया रहता है उसको केतु का एरिया, केतु का पर्वत कहते हैं। वहाँ से ये लाइन शुरू होके बुध की ओर बढ़ती है, बुध पर्वत की ओर बढ़ती है। इसको विया लैसिवा लाइन कहते हैं। तो इसके बारे में आज हम जानेंगे। अगर ये लाइन मर्क्यूरी लाइन को टच करेगी तो व्यक्ति का हेल्थ बहुत बिगड़ सकता है। और ये पैरेलल बुध रेशा को पैरेलल जाएगी, समांतर अंतर रखेगी, तो व्यक्ति का हेल्थ बहुत ही अच्छा रहेगा। अर्थात ये सब चिन्ह हैं, उसको बाकी चिन्हों के साथ कंपेयर करना ज़रूरी है। फिर अगर ये विया लैसिविया लाइन चेंड हो, उसमें बहुत सारे चेन दिख रहे हैं, तो उस व्यक्ति का फैमिली लाइफ डिस्टर्ब रह सकता है। अगर ये लाइन जिगजैग हो तो उसको लीवर से संबंधित प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, या उसका एक ब्रांच माउंट ऑफ वीनस शुक्र पर्वत की ओर चला गया होता है, तो वो व्यक्ति सेक्सुअली बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है, या फिर ऐसे व्यक्ति को बहुत सारी एलर्जीज जिसमें लाइन ऑफ विया लैसिवा रहती है उसमें फूड, मिल्क और अदर टाइप ऑफ एलर्जीज रह सकती है। लेकिन ये सब दूसरे साइंस को मद्देनज़र रखते हुए हमको कहना चाहिए। आशा है ये नए लाइन के बारे में जान के आपको खुशी होगी। आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, मैं कंसल्टेशंस ऑफर कर रहा हूँ। आप मुझे व्हाट्सएप द्वारा या मेरी वेबसाइट drsagar.com द्वारा संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।